सीधी जिला मुख्यालय से महज 20 किलोमीटर दूर सतनरा पवाई में एक ऐसा कोटेदार है जो खुद ता बेसुध रहा है और गरीबन के हक में डाका डाल रहा है। विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष तिवारी अपना पंचन का सब जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी बेहद दुखद खबर के, जहां हमारे साथ वह गांव के लोग आए हैं जो वास्तव में जिनका वह खाद्यान्न की जरूरत थी, जिनके खीतर वह खाद्यान्न के सरकार व्यवस्था कर रही थी, किंतु हालात यह कि ई हाथन का जो कामगार आई जिनका रोज मजदूरी करे के रोज करे के रोज खाए के, किंतु हालात यह कि ई प्रशासनिक व्यवस्था से जो है क्रोधित होकर अब कागज के पन्ना लेके दर दर मा ठोकर खाए रहे हैं, मतलब जिम्मेदारन के लगे ये कागज लेके पहुंच रहे हैं कि हमार हक मारा जा लग। का नाम है अपना? कुसुम कली। कुसुम जी, कहाँ लेके आए हैं शिकायत यहाँ साहब के लगे? साहब के लगे शिकायत यह लेके आए हैं कि हमका गांव आए गाँव नारा गाँव पवाई नमीन मानो कोटा मा ये काटत पर्ची एक दो महीने के एक महीने के गल्ला दे काटत है कोटेदार कौन कोटेदार अगर उखर का ना दादू रमेश वर्मा कौ में लागत है मतलब आन बताई मान ली कान हमार को नाव ले ली तो हमार नाव ले ले नहीं ना ले अपना के तो मानो ये में दारू पी के जात है हरदम जात है हेरे का परत हाँ हेरे का परत है पूरे गांव में ओका हेरे परत है कि कहाँ हाँ दारू पिया परा है हाँ नहीं तो ये बताई कि फेक ये जो है जो अपना के कोटेदार है तो गल्ला दे दे थे अब एक कब कितने दिन के गल्ला नहीं पाया? अब नहीं पाया है दो महीना से अब नहीं पाया है दो महीना से हाँ। और फिंगर उंगर कैसा लगवा थे अपना घर जाते तो लगवा था या फिर गल्ला कोटा में देते हैं हाँ। पर्ची काट ले थी दे हाँ यह मैं करा करते है पर्ची ना फिंगर ना लगाऊबा तो गल्ला ना आई ना मिली पहले फिंगर लगवाई ही फिर गल्ला कई रोज बाद देते 10 रोज 20 रोज हाँ महीना भर बाद महीना चलिए अपन अपन अपनों से पूछ सब जने अपने अपने बारी बोले है का नाव है नईबा ठीक है ये बताई अपना के को है कोटेदार अब हम कहा जान के को आयन नहीं जान के को आही गल वर्मा आई जमरामा नहीं जाए तो का बताई नाव नहीं जानी चलिए ये बताई कि का समस्या का लेके आए हैं ये लेके आए कि गल्ला नहीं पाई तहन कोटा में हाँ गल्ला क्यों नहीं पाई कि कब पाए हैं एक महीने के पानी हम ना बता आपके झूठ बता एक महीने के पाए हैं एक महीने के बनी दिया नहीं आज झूठ बोलती है नहीं झूठ नहीं बोला लगी वहाँ नहीं पाए आए नहीं पाए आए क्या पाए ये क्या नहीं पाए आए ये कई ऐसा मौके से दाई दिया था नहीं भागा फिर लहा हेरी लाहे कि कहाँ है कहाँ नहीं है कोटेदार हाँ मजूर लगाए हैं तो वह भाई मजूर दे दी तो नहीं लड़ाई लागे तो बंद कर दिया बंद कर दी कोटा चले गए दारू पिए हैं तो चल के पिए रहा थे कहे हाँ सब में चला था हाँ हाँ दारू पी के चला था तो कोटा तब खुला था जब पी लेते हैं हाँ आ नहीं तो नहीं खुला था हाँ चार रोज पांच रोज रेंगा रहा पापा जी दूरी से आई थे उनके कोटा में हाँ लाउट के आप छूछ है हाँ तो फिंगर उंगर कहाँ लगवाते हैं अगर कहाँ गांव में गए तो कहो के लगवा लिखी जानी तो धाय गए जो ना जाए तो नहीं फिर कोटा में आता है जब हाँ लड़ाई करे का पड़ा था चलिए अब का नाव है अपना के ये रजुआ नाव है अब हम एक महीने के नहीं पाया नो हम महीने में पर्ची काटे रहे तू है दही नहीं महीने में एक का बनी पाया दो महीना के एक नहीं पाया तो पूछन नहीं कोटेदार से काहे नहीं देते है पूछन तो कहीं गल्ला यही तो दे बाबा गल्ला नहीं आ पाया हाँ यह कहा था भाई हम को है कोटेदार रमेश वर्मा हाँ तब नहीं पाना है हमें एक ये महीना के वो महीना में पर्ची काटे रहे थे महीना में दीनी अब ये मैं फोन कर ही के बाबू अरे ना के पर्ची काटा थे या फिर उनके कोटर जाई थे पर्ची कटाव कहाँ कोटर उनके गए रहे पर्ची कटाव है हाँ पहले वो पर्ची कटी फिर अपना ओका लेके हाँ लेके आने ते महीन वो महीना के गल्ला ये महीना में दीनी अब ये महीना में पर्ची भर नहीं पाया चलिए ये हाल है कि एक गरीब जो वास्तव में जेकर जरूरत ही वह खाद्यान्न के जेकर कहा जाए ओका दो वक्त के रोटी तबे मिली जब वह शायद वह जो मुफ्त के खाद्यान्न है वह मिली तबे वह जो है जीवन के संभावना जो है अपन व्यक्त कर सकत है हमारे साथ और का नाम है अपना के सोनिया अपनों नहीं पाई गल्ला महीने पाए है ना महीना के नहीं पाए हैं अगले महीना पाए है ना महीना के नहीं पाए हैं फ्री वाला नहीं पाया है सब काट लेते हैं काहे में काटत है अपने का दारू गांजा का मुर्गा का हाँ ओके खीतर काट लेते कोटेदार हाँ
तो कहीं नहीं कि हम का हम आंखी दिखावत है तो कहा बताइए। हाँ खूब लड़ाई होती है, आंखी दिखावत है, क्या करिए। चलिए ठीक है, सिया हवाई लाई के आए हैं ना, बता देनी हमारे घलाई होकर तैयार हो जाते। हम देखिए चोरी नहीं लगा था कि हम हवा पापड़ी आए दे दो तीन घर कोटेदार। हाँ हम अपना हम पे गुस्सा आ जाते तो लगा था कि हम दिन दे। चलिए हाल है, देखिए यह सरकार के व्यवस्था है, ऐसा उक्त कोटेदार के खिलाफ कार्यवाही हो चाहिए। निश्चित तौर पर गांव वाले की यदि समस्या होती तो उनका समाधान के बाद को करी। हमारे साथ का नाम है अपना, कौन गाँव? लाल यादव। कहाँ से आए हैं? सतनरा से। का समस्या है? इस सब जने अपन अपन समस्या बतावल लगे, का आखिर समस्या है साहब कि गल्ला नहीं मिल रहा है बिल्कुल। मान ली परेशान है हम बच्चे, एक सात दिन 7 तारीख के खोला थी, फिर एक महीना कहीं कलाऊप जनता पूरा इकट्ठा हुई, फिर लौट जाई, फिर पुन जनता इकट्ठा हुई, कोटेदार को पता नहीं कही और 10 दिन में आए तो कोटा खोल के साहब दारू पी के अंदर सो जाती, चमचा लगाए हैं तो कहा गल्ला नहीं आए। अगले महीने में आई तो देव का करवे जो उनका रखो तो जा करा। यह मेरे समस्या से हम बच्चे परेशान हैं श्रीमान जी, इसलिए निवेदन है कि हमारी विनती सुनी जाए कि। चलिए ठीक है, निश्चित तौर पर हमारे साथ वो लोग है गांव के। क्या नाम है अपना? लाल मन यादव। अपना वही सतना रहे? सतना रहे। तो क्या समस्या है? समस्या लेके समस्या यह है कोटेदार से। हाँ। कोटेदार का दो चार दर की मैंने वो का संविधानों में कहागा कि भैया तू अपने दुकान में पर्ची काटा तो जौन पब्लिक जाने अब आवे तो तुमका दुकान में पावे। तो वो ये कहा था कि हम आ सतनरा घर आए, तो जब कोटा से जानकारी भाई कि कोटेदार कोटा में आए तब पब्लिक कोटा में आई। अब पता चली कि पब्लिक चले वो कोटेदार चला गया झटकन हवा जहाँ वो कर पीने का अड्डा है। अब वहाँ गए तो दो चार ठे पर्ची काटे नहीं, अपन बंद करी मशीन कहीं खो दिया। अब बच्चे जाने तो नहीं तू कैसनो कह के अपन डिस्कवर आओ, अब सर्वर है नहीं चले, यह कह के चले यहीं बात। यहाँ एक महीना की छूट, एक महीना पैसा, तो एक महीना के गल्ला दे रहा है, एक महीना की पर्ची निकले दो महीना के, अब गल्ला एक महीना, अब गल्ला एक महीना के देते। तो यह कहा कि भैया तू एक महीना गल्ला देते तो एक महीने की पर्ची निकाला, दो महीना का ना निकाला। तब वो यह कहा था कि अगर एक महीना हम पर्ची ना निकाला तो महीना के गल्ला नहीं, हमका गल्ला दे में दिक्कत हुई। और दो चार दरे का हम कहागा कि भैया तू दुकान में अपन फील्ड लगावा कि जब उन्हें एक पब्लिक आवा तो तुमका दुकान में पावे। तू अपने कोटेदारी के कुछ ये समझा कि हम कोटेदार हैं, गांव-गांव में पर्ची निकलते हैं, फिर पब्लिक दौड़ के जाबो है तो तुमका पौतव नहीं, यह समस्या है साहब। और निश्चित तौर पर हालात जो है दुखद हालात यह है कि अपना का सतनारे क्या है। हाँ तो चलिए जब हुआ हो जाए अबे अपना के। हाँ बताइए का अपना सतनारा क्या है? सतनारा के यहाँ साहब अभी यहाँ अबे भर कहाँ रहे, ये कोटेदार कब से हैं अपना के यहाँ? अब है क्या रहे सोची थे कि अब सुधरा था, अब सुधरा था, बस ओके धंधे है दारू पिले ही हो गया, लपटा के तैयार होते है। अब 5 किलोमीटर से मना आवा था पुल लौट जा, बनिहरा आदमी अब रोज कोटा करेंगी कि अब माने कहो बनी मजदूरी करी तो हो गया, अब गल्ला नहीं मिला तो ही खातिर आन है। इसी तौर पर सबसे बड़ी बात कि आखिर गरीब आदमी कहे तो कहे कैसे, अब यहाँ जिम्मेदारन का बताए दी इनका है। अब देखा भी है दिलचस्प हुई कि आखिर कहा ये गरीबन की आवाज़ सुनी जाई, छोड़ सोची कि ये कामगार हाथ यदि रोज काम न करें तो इनके घरे माँ या खाए कर न बनी, किंतु हालात यह कि अब दर दर भटके का मजबूर हैं या व्यवस्था के शिकार हैं, जो व्यवस्था सरकार दावा करती है कि हम मुफ्त माँ दे थे। कहाँ नाम है काका? माइकू। कहाँ से आए हैं? सतनारा से। सतनारा से अपनों को नहीं दें? अरे नहीं देता ही हो गया ऐसा नहीं करा जैसे नहीं बतावल रहा हूँ डंडा धय है। अरे हम बताई कैसे करे जो मरी भाई, यह मैं जो अपना पचन का यह मैं बताई कि खुदा बिचारे के जीवन जहान कैसा के वह पहुँचा थोड़ी वह कोटा तक, तो ओके बाद ओकल कोटेदार का लाज नहीं लागे कि बिचारे का कैसो के जो है ओका दुर्व्यक्त के रोटी मुहैया कराए दी। तो ये वास्तव में यह देश के दुखद हालात हैं और यह हालात का आखिर समझी और सुलझाई को जिम्मेदार सिर्फ कागज समेटे तक सीमित हैं, किंतु ऐसा भ्रष्टाचारी और ऐसा कहा जाए कि जो व्यवस्था का खोखला कह रहे हैं इनका कड़ा से कड़ा दंड दीन जाए, जो उन्हें यह नज़ीर बने कि अन्य कोटेदार यमें गरीबन के साथ न कह पावें। तो अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।